दोस्तों, अगर आपने YouTube चैनल क्रिएट किया है अभी 2020 में, या आप पुराने यूट्यूबर हो 2019 के, 2018 के, 2017 के, तो आपने कभी ना कभी ऐसा सोचा है कि हमारा चैनल कब रैंक में आएगा, कभी ना कभी रैंक में कब आएगा हमारा चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने चैनल का नेम सर्च करते हो तो वो पहले नंबर पे कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो दोस्तों आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने वीडियो में तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट लगाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी क्या आपने टेक्स्ट चैनल में टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल लगाते हुए देखा क्या? नहीं देखा ना। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का टैग या कीवर्ड्स कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, मैंने अपने चैनल में कीवर्ड्स लगा रखा है। अगर दोस्तों आप सर्च करते हैं टेक्निकल बालाजी, उसके बाद में सिंपली दोस्तों आपके सामने यहाँ से नाउ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आ जाता है, और उसके बाद में सिंपली मेरा चैनल खुल जाता है। अगर दोस्तों आप अपने चैनल का नाम सर्च करते हो और आपका सर्च लिस्ट में नहीं आता है, तो वो कमी है कीवर्ड्स की। दोस्तों, आपने कीवर्ड्स नहीं लगा रखे, टाइटल नहीं लगा रखे, डिस्क्रिप्शन नहीं लगा रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैग्स कैसे लगा सकते हो, और अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अब तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन घंटी का बटन दबा लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल में जाके और भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो गाइस, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में सिंपली आपको यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में सिंपली आपको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है, थ्री डॉट पे जाना है, उसके बाद में यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद में सिंपली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मैंने चैनल को लॉगिन कर लिया है। उसके बाद में सिंपली आपके चैनल पे लॉगो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो बीटा, यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ से दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन, तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से कीवर्ड नाम आ गया है। तो दोस्तों आप यहाँ से लगा सकते हैं टेक, टेक्निकल। दोस्तों ये मेरा न्यूज़ का चैनल, तो मैं यहाँ पर न्यूज़ लिख लेता हूँ। न्यूज़ लिखने के बाद में सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से टैग्स लग चुके हैं। टैग लगने के बाद में सिंपली आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, सेव करें। तो यहाँ से आप पहले अपने कंट्री भी चूज कर सकते हैं, यानी देश, कौन सा देश है हमारा, यहाँ से चूज भी कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली आप यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव करें, तो सिंपली आपको सेव करें पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अपने चैनल का कीवर्ड लग गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनसे उनका चैनल भी आगे बढ़ सके।